फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको एक न्यू सिस्टम लॉन्चर बताने वाला हूं। उस वाले सिस्टम लॉन्चर में आप ग्लोबल रोम में भी यहां पे ऐप वॉल्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहां पे न्यू विजिट्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इसमें एनिमेशन स्पीड को 4GB रैम डिवाइसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, 3GB रैम डिवाइसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड ऐप आइकन्स और भी यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स इस वाले सिस्टम लॉन्चर में हमें सेटिंग्स में होम स्क्रीन में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहां पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इसका पूरा इंस्टॉलेशन, इसका फुल रिव्यू आपको इसी वीडियो में देखने। तो फिर फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको न्यू सिस्टम लॉन्चर बताने वाला हूँ, उसके एक्स्ट्रा फीचर्स, और आप उसकी हेल्प से ग्लोबल रोम, यूरोप रोम में भी ऐप वॉल्ट और यहाँ पे न्यू विजिट्स को भी अनेबल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो एक बार उस वाले सिस्टम लॉन्चर का मैं आपको एक बार यहाँ पर फुल रिव्यू करके दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या चेंजेस हम सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के बाद सिंपली होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, होम स्क्रीन अनेबल माइनस वन स्क्रीन, ऐप वॉल्ट फोर्स ऐप वॉल्ट ग्लोबल का माइनस वन स्क्रीन, होम स्क्रीन सर्च बार, सर्च बार प्रोवाइडर, ये सब ऑप्शंस आपको इस वाले लॉन्चर में देखने के लिए मिल जाते हैं। एनिमेशन स्पीड, एनिमेशन ड्यूरेशन, फोल्डर बाउंस इफेक्ट, DT2SA यहाँ पे डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, फोल्डर ब्लर, कंप्लीट ब्लर, सर्चेबल ब्लर, फोल्डर कॉलम्स, हाइड विजिट्स नेम वगैरह वगैरह, आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक और बात करें अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स, तो आपको इसमें अरेंज आइटम्स एंड रिसेंट्स में इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑफिशियली हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। हाइड स्टेटस बार, ऐप नेम, न्यू विजिट्स नेम, बिगर टास्क कार्ड, स्मॉलर क्लोज टास्क बटन, राउंडेड टास्क कार्ड्स वगैरह वगैरह। आप जब वर्टिकली पे जाते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे स्टैंडर्ड और क्यूबिक देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली में जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड, क्यूबिक, iOS स्टाइल, रिवर्स और ओल्ड स्कूल। जब हम यहाँ पे क्यूबिक को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और आप जब यहाँ पे iOS को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको इसमें इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम हमें iOS के जैसा ही देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद iOS को आप जब यहाँ से रिवर्स पे सिलेक्ट कर देंगे तो फिर आपकी यहाँ पे डायरेक्शन इसकी रिवर्स भी हो जाएगी। आप यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं। डोंट शो टेक्स्ट का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। फोल्डर ब्लर, आप जब यहाँ से फोल्डर ब्लर को अनेबल करेंगे तो फिर आपको यहाँ से फोल्डर में जितने भी एप्लीकेशन हैं, आपको यहाँ से जो भी बैकग्राउंड देखने के लिए मिलेगा वो आपको यहाँ से ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा, और आप जब इस वाले ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो फिर आपका यहाँ से ब्लर गायब भी हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे 100% वर्किंग है। कंप्लीट ब्लर, सर्चेबल ब्लर, फोल्डर कॉलम्स भी आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने अब इसको यहाँ पे 4 पे सेलेक्ट कर दिया है, तो आप जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो फिर अब यहाँ पे 3 की जगह आपके 4 ऐप्स एक ही लाइन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप इन सारे ऑप्शंस का इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो आपका मोबाइल यहाँ पे रूटेड होना चाहिए। तो रूट करने के बाद सिंपली मॉड्यूल्स में जाना। मैंने एक सिस्टम लॉन्चर के मॉड्यूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो सिंपली इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे जा कर के उस वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना। आपने जहाँ पे भी उसको सेव कर रखा है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो वाला सिस्टम लॉन्चर का मॉड्यूल MIUI लॉन्चर मोड बाय सिपोलो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सिपोलो की तरफ से यहाँ पे मॉड्यूल बनाया गया है। तो फिर आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यही थी पूरी वीडियो आज की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर भी जरूर से कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।